और ये इसको भैया पहनाने लग गए लहंगा। ये तो कमर कमर से भी ऊपर जा रही है। सारा सफर बहुत अनकंफर्टेबल, सो हार्ड वेलकम बैक टू माय व्लॉग। अभी मॉर्निंग रेडी होके व्लॉग बना रही हूँ क्योंकि फटाफट से हमें नैनीताल के लिए निकलना है। गाड़ी वाले को 6 बजे का टाइम दिया था, इन लोगों ने बजा दिया 6:30। अभी हम सो गाइस, मैम पहन चुकी हैं बर्फ पड़ने वाला कोट। नैनीताल जा रहे हैं तो कोट पहनना बनता है ना, सुबह सुबह ठंडा हो रहा है। लोग रेडी हो चुके हैं फटाफट से। मेरा लुक कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है ना, दिखाते हैं। What's up is down, what's left is right. Chasing stars and holding view. I can't see the end, but we'll see it through. ये दोनों भी आ चुके हैं। हैं? Everyone is looking like dawn. सब ready हो चुके हैं, हमारी गाड़ी नहीं आई है। और ये लोग तो स्कूटी के साथ लेके आएंगे। आज भंडारी को फिर से गाड़ी लगने वाली है। कैसा लग रहा है? खा के आया नहीं आया? सबसे पहले भंडारी उठ गया था सुबह। इस हम लोग की गाड़ी आ चुकी है, तो हम गाना बजाते हैं। 3 स्पीकर है हमारे पास। पहले मोहित के स्पीकर से स्टार्ट करते हैं। भाई तू डरा पहले, तू प्लीज खाया नहीं है। ये मोहित ने गाड़ी रुकवा दी यहाँ पे क्योंकि इसको वोमिटिंग हो रही है। वोमिटिंग नहीं, सुसु आ रही है। वॉमिटिंग से परस्त पड़ी है और लास्ट वाले तो सारे परस्त पड़ चुके हैं। तो गाइस, ये हमारी ब्लॉगर प्रियंका शाही जी जो कि ढेर हो चुकी है अभी, और ये बगल में है स्लोमो, इसके कंधे में माथा टिका के बैठी है, खंदा दे रखा है। पिंकू क्या हो गया तुझे? पिंकू कौन नहीं लगा रहे तेरे पसंद के गाने? ये मोहित ने की ना, ये मोहित ने की है। गाने बजाएंगे, हम बजाएंगे गाने। और ये हमारी फरादी है। गाइस, जैसे कि आप देख सकते हैं हम कैचीधाम पहुंच चुके हैं और अभी समय हो रहा है सुबह के 7:52। 7:52 से हम कैचीधाम पहुंच चुके हैं, जल्द आपको ले चलते हैं। अभी हम पहुंचे हैं, भवाली को उतर गए हैं। इतना चक्कर आ रहा था ना, बिना खाए आए हुए हैं हम, और बारिश भी स्टार्ट होने की। थैंक गॉड हम ये पहन के आगे मोटा सा। कैसा रहा सफर? बहुत अनकंफर्टेबल, सो हार्ड गाइस। उतर चुके हैं सारे हमारे यात्रीगण, चलो भवाली पे ही रुकते हैं। फॉर टीचर सॉन्ग सिंगर तो गाइस, हम पहुंच चुके हैं नैनीताल। अब हम यहां से जाएंगे पैदल पैदल क्योंकि हमें कुछ ज्यादा ही नीचे उतार दिया गया है। अब हम लोगों का प्लान है कि हम जू पे जाएं, तो जू देख के आते हैं। पिछली बार बोटिंग तो कर ली थी। वन इज ब्यूटीफुल नैनीताल। फोटो सेशन हो रहा है यहाँ, फोटोग्राफर लोग खड़े हैं। भाई कितने फोटोग्राफी करते हैं ये लोग तब से। तो गाइस, बारिश भी स्टार्ट हो गई है और लेट भी हो रही है हमें, तो फटाफट से जाते हैं फोटो लेने में। आधा घंटा लग गया। गाइज, हम तो पैदल पैदल जा रहे हैं लेकिन हमारे जो दोस्त हैं ना बिछड़ चुके हैं, कुछ फोटो खींचने में पीछे रह गए हैं, कुछ आगे चले गए हैं जिनको फोटोज नहीं लेनी है, बाकी हम बीच के रह गए जो चल भी रहे हैं फोटोज लेने में, और कुछ लोग अटक गए हैं फोटोज लेने में पीछे से। ये हमारी अंबानी दीदी, आपको याद है लास्ट टाइम यही लेके आई थी हमें नैनीताल। ठीक है, इनके दो नए मेंबर्स हैं और ऐड हो गए हैं,
और ये बाथरूम सिंगर हैं दोनों, मतलब मुझे ज्वाइन करने आए हैं। अच्छा यहाँ पे क्या है ये, मैं भी करूँ क्या, देख आगे पीछे करना पैर, हो कर लूंगी देख क्या है ये, इट्स वेरी इजी, मुझे भी करना है। इसमें फोटो सेशन चल रहा है, ये वीडियो गाइस मेरे तो नहीं आ रहा है। 600 फोटो खिंचा ली, 600 गिनती झूठ नहीं बोल रहे, 600 फोटो इसने, ये 800 वाली है, आपको भी फोटो खींचते मेरे गाइस, अब मेरी भी बना दो दीदी ऐसी लास्ट। देखो यहाँ पे डक आ चुकी है, मेरे पास आओ आओ आओ, इधर आओ, कोई मेरे पास आओ, वाओ पंखे फैला रहा हो, हाय कितना प्यारे लग रहे हो तुम लोग। गाइस हम लोगों ने फोटोज खींचा ली, एक्चुअली हमें जाना था जू में, बट जू का टाइमिंग है क्या बोलते हैं 10 बजे और हम 8:30 बजे यहाँ पहुँच गए, तब तक क्या करें मार्केट होके आते हैं, फिर उसके बाद 7 ताल चलते हैं। भंडारी जी, महासचिव जी, ओ महासचिव जी, बेटा इतना घूसा मारू, बात तो सही है ये तेरे मुक्का, तो जिसके व्लॉग में आ रहा है ना। सो गाइस जैसा कि आप देख सकते हैं इसका इसका निकाह होने वाला है, आज मैं निकाह करने वाली हूं, शादी में निकाह कर रही है। ये मस्जिद है यहाँ का, ये जामा मस्जिद है गाइस, बहुत सुंदर है, बहुत खूबसूरत है। गाइस हम इस मार्केट में आए और ये मार्केट 4 बजे खुलती है, बल इससे पहले जब पिछले साल आए थे तब तो खुली थी, आज खाली खाली सी मार्केट लग रही है, अब क्या आज कहाँ जाएं, अभी मैं फोटोशूट कराती हूँ। गाइस हमने ना जल्दी सुबह आके यहाँ पे बहुत बड़ी गलती कर दी है, मतलब मार्केट कुछ दुकानें ही नहीं खुली है, वो भी अभी खुल रही है, कोई कोई बंद है, सामने सारी बंद है, थोकी सेल लगी है, हम ले सकते हैं कुछ अच्छा सा। ये है वंशिका के बूट, एक्चुअली ये इतने बड़े बूट पहन के आई थी और यहाँ चल नहीं पा रही है, अब यहाँ से ले रही है ये चप्पल, क्यों अब बूट में नहीं चला जा रहा है, अब यहाँ से चप्पल खरीदे जा रहे हैं वंशिका द्वारा। ये सही है ना, ये ठीक है, नहीं 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 तो ये ब्लू वाला कंफर्टेबल, इसका कंफर्टेबल कौन सा है, बेट प्यारे प्यारे से पैर, हीरोइन बन रही थी ज्यादा। जाएंगे नैना देवी मंदिर, भाग चुके हैं फरादी, सबसे तेज भागने वाली फरादी है, फरादी को बहुत ज्यादा मूड स्विंग्स हो रहे हैं, कभी खुश कभी दुखी, क्या हो रहा है, क्या चल क्या रहा है बताओ तो जरा। जीवन अनिश्चितताओं से भरा है, क्या किससे अनिश्चितताओं, अनिश्चितताओं से भरा है, अनसर्टेनिटी है ना, उसका गड़बड़ है क्या, हुआ तबियत वगैरह क्या है। फरादी हमारे बड़े भाई हैं, उनके बारे में कुछ नहीं है, ये सब आंदोलन के बाद होंगे। हां वो क्या भाई, हमने यहां रख दिया जूते सिस्टमैटिक तरीके से, कोई जूता नहीं, ऐसे तो करते नहीं हूँ। गाइस हम दोनों ने लड्डू मांग लिए हैं, पंडित जी हमें छोटा वाला प्रसाद देते, हमने कहा लड्डू दो बड़ा वाला ना। गाइज यहाँ ना धर्मशाला नहीं है, 10 अवतार है भगवान विष्णु जी के, अवतार है वो एरिया, यहाँ इतना शांति कैसे है, फिर शिव पार्वती अवतार, मत्स्य अवतार, ये बनाए गए होंगे, मिले होंगे पुरानी मूर्तियाँ, बड़ा नरसिंह, हम नरसिंह देवता को, हमारे कुल देवता नरसिंह देवता है, बामन अवतार, परशुराम अवतार, राम कृष्ण बुद्ध, कल लिखा अवतार, कल की होना बाकी है, जब कल के अवतार होगा तो हमारा अंत हो जाएगा पृथ्वी का, और ये बाकी सब अवतार हो चुके हैं।
यहाँ से लगाएंगे हम राधे वाला टीका। मैंने तो लगा दिया लेकिन मेरा टीका फैल गया नीचे को। राधे फिर तो अच्छा बना है। माथे में क्या गधे लगाएंगे? ये लोग कह रहे गधे दिख रहा है। दिखा दे राधे दिख रहा है। गाइस इस बार तो मजा भी नहीं आ रहा है। सारी दुकानें शॉप मार्केट सब बंद है। ये चीज़ अच्छा नहीं किया। मतलब 4 बजे के बाद ही मार्केट खुलेगी, उससे पहले 3 लोगों ने अलाउ नहीं कर दिया। मतलब नैनीताल वाले टूरिज्म को कम करना चाह रहे हैं, वरना भीड़ हो जाती है करके। बिल्कुल मज़ा नहीं आ रहा है सच में। अब मैं फोटो शूट कराती हूँ। गाइस अभी हम नैनीताल आए हैं तो मुझे ये शॉप दिखी। मुझे यहाँ लहंगा ट्राई करना है और बहुत अच्छे अच्छे लहंगे हैं और फोटो शूट कराना है। देखते हो कौन सा लहंगा अच्छा है। कौन सा अच्छा लग रहा है? वैसे ये अच्छा लग रहा है, पिंक अच्छा लग रहा है। फोटो अच्छी आती है। नहीं ये हाँ रेड वो ब्लू देखो। ब्लू कौन सा? ब्लू ये ब्लू ये ना ना उधर वाला ये हाँ ना ब्लू ब्लू ये इसके बगल ये नहीं ये दो शेड ये भी है। देखिए एक ब्लैक है ब्राउन है। और यहाँ पर कंफ्यूज हो गई प्रियंका साई कि उसे कौन सा पहनना है। हाँ मतलब हाँ, तो मुझे वो पिंक वाला ही अच्छा लगा ना। पिंक मैंने भी यही पहना था। हाँ। तो अब इसने फाइनल डिसीजन ले लिया कि ये पिंक वाला पहनेगी। और एक और ये इसको भैया पहनाने लग गए लहंगा। ये तो कमर से ऊपर जा रही है। लहंगा बहुत अच्छा लग रहा है लेकिन अच्छा से सजाना। मुझे सारी ज्वेलरी मस्त मस्त पहना और फोटो शूट अच्छी करना। इसको पहन के मैं मार्केट में जा सकती हूँ? नहीं नहीं मैडम आउडी नहीं है। को अप्लाई करो। ओ वहाँ पर तक तो रील्स बना सकते हो। हाँ ना यही बनाओगे आप? इतनी ब्यूटी वीडियो एक दो बनानी है। व्यू ही अच्छा नहीं आ रहा। नाव पे बैठ के खींच सकती हूँ। देखो नाव में अलाउड वगैरह कुछ नहीं है बेटा, यहीं खींचते फोटो सकते हैं। क्यों अलाउडी नहीं है? हेलो थोड़ी देर के लिए यहीं पे जाती। हेलो प्रेस कराए लगेंगे आपको। वीडियो बनाना है फोटो खींचना? हाँ वीडियो भी तो बनानी है। वही तो कैसी लग रही है? हमारी प्रियंका साई तैयार हो चुकी है और बहुत ब्यूटीफुल लग रही है। गाइस मैंने फोटो शूट करा लिया है। ये 15 मिनट से ज़्यादा टाइम नहीं दे रहे मुझे। बहुत सारी रील्स बनानी थी। एक हिमाचली सॉन्ग तो मुझे आते नहीं है फिर भी बना लिया मैं थोड़ा सा। और बच्चों से पूछ दे मैं कैसी लग रही हूँ बताओ जोर से बोलो। ठीक है गाइस अब मैं इनको कपड़े दे देती हूँ। ज़्यादा खींच नहीं दे रहे हैं। इन दोनों का है आज फास्ट। आज बेचारे कुछ खा नहीं पाएंगे आज। गाइस अब हम यहाँ चाइना टाउन में खाएंगे खाना क्योंकि हमारे दोस्त लोग तो भटक चुके हैं, पता नहीं कहाँ गायब हैं। हम लोग खा लेते हैं। सब इधर उधर चले गए दाई बाई। जो दीदी हैं वो खाती नहीं है बाहर का खाना, तो अपना मूंग दाल प्लस एक माजा का बोतल से काम चला रही है। हम लोग खाएंगे नॉन वेज मोमोज। हम दोनों ही हैं। हमारे सारे दोस्त गए भटक चुके हैं, पता नहीं कहाँ गए हैं। मारते हैं हमें और वो ब्लॉग देखेंगे हमने यहाँ खाना खा दिया। कितने बेवकूफ हैं। नॉन वेज जन्माष्टमी हम नॉन वेज खाएंगे। कभी याद क्यों नहीं आया? चलो कुछ नहीं होता। ये हमारे मटन चिकन मोमोज। चलो आप लोग क्या खा रहे हैं? क्या खा रहे थे? क्या खा रहे हैं? तो अल्मोड़ा के ज़्यादा टेस्टी है कि यहाँ के ज़्यादा टेस्टी है? अल्मोड़ा के सरस्वती के यहाँ सबसे ज़्यादा और वहाँ के चिकन नॉन वेज सचिन चाट वेज। गाइज मैं फिर से आगे अपनी फोटोज़ लेने हार्ड कॉपी क्योंकि सॉफ्ट कॉपी तो नहीं देने वाले ये लोग। मैंने कितनी रिक्वेस्ट कर दी इन लोगों से ये सॉफ्ट कॉपी नहीं दे रहे हैं। और मैंने जो रील्स बनाई थी ना वो भी सेव नहीं हुई जल्दबाजी के चक्कर में, टाइम कम था। उसी वाली दुकान पे भी अभी ओपन हो रहे हैं ड्रेस, अभी भी अच्छी अच्छी ड्रेसें दिख रही हैं। एंड गाइज इन फोटोज़ खिंचाने का कोई फ़ायदा नहीं है। नेक्स्ट टाइम से जब भी आप ये फोटो खिंचाओ ना पहले बता देती हूँ, DSLR खुद ही लेके आना क्योंकि इसकी सॉफ्ट कॉपी देने रहे हैं। एक हार्ड कॉपी और टाइम सिर्फ 15 मिनट। उसमें मेरी एक रील्स बनी थी वो भी ख़राब।
मतलब सेव ही नहीं हुई, बहुत ही बुरा लगता है। मेरी फोटो कैसी आई है मैंने भी खुद नहीं देखी है। पहुंच गए हम, देखिए दिखाओ नीचे, वहां पहुंच गए हम वो जहां पे छोड़ा था। हां अच्छी आई है, अच्छी लग रही ना, मैं बता कैसी लग रही मैं, अच्छी लग रही देखा। गाइस अब गौरव भंडारी मुझे खिलाएगा बिरयानी, है ना, इसी ने बोला है बिरयानी खिलाना, खिलाना है जाएगा। बिरयानी खा के आते हैं क्योंकि हमारे दोस्त लोग बिछड़ चुके हैं। भंडारी ने तो मुझे खिलाया नहीं, ए, पूरा बता, पूरा बता, अच्छे से पूरा बता। अब मुझे ये करना है, टिकट लेते हैं, टुक टुक से लेट हो रही है, जाना भी है। हमारी अंबानी दीदी का बर्थडे, क्योंकि दीदी जाने वाली है ना, इसलिए हम आज ही सेलिब्रेट कर लेते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू।